अभियान चला रहे हैं आज डेटा क्लास में। जैसे पूरे दिल्ली में 7 साल में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली से जो वायदे किए उसमें उन्होंने क्या कहा था और क्या नहीं किया, तो हम ये बताना चाहते हैं कि 7 साल के अंदर दिल्ली कितना पीछे हो गई है। इसलिए हमने RTI से 10 जवाब मांगे थे, उसके इसमें आंसर दिए। मैं चाहता हूँ आप उसको पढ़े भी और लोगों को भी बताएं कि दिल्ली का सच। 7 साल से कह रहे हैं कि हर बार मैं डुबकी लगवा दूंगा, यमुना नाले से बदतर हो गई है, सड़कों का हाल खराब है, DTC खत्म हो गई है, सार्वजनिक प्रणाली का कोई कदम नहीं है, एक्साइज पॉलिसी नो, एजुकेशन मेरे मोहल्ला में देखे हैं। ये एक अभियान चला रहे हैं हम, पोल पोल अभियान केजरीवाल सरकार के खिलाफ, दिल्ली के लोगों से जो 7 साल में उन्होंने वायदे किए थे, क्या सही और क्या गलत, क्या झूठ है, क्या धोखा है, वो सब हमने RTI से जवाब मांगे। तो हम चाहते हैं कि आप इसको पढ़ें और उनकी सच्चाई को जानें। वायदा किया था केजरीवाल ने कि एक्साइज से मैं रेवेन्यू जो कलेक्ट करूंगा 9,500 करोड़ बोला था, जो बोला वो झूठ बोला था। बिल्कुल झूठ नहीं, एक्साइज पॉलिसी में लिखा हुआ है कि अनऑथराइज एरिया में दुकानें खुलेंगी, जबकि एंड इट शुड बी ऑथराइज एरिया, बट जब अनऑथराइज एरिया है कॉलोनी में से वहाँ दुकानें खुलेंगी, वहाँ दुकानें कैसे खुल सकती है जबकि अनऑथराइज एरिया है। कम्प्लीटली सबको कहते हैं कि हमने दिल्ली को मैं पैलेस बना रहा हूँ और मैं मोदी जी से अच्छा काम कर रहा हूँ। मैंने अस्पताल ऐसे कर दिए कि मोहल्ला क्लिनिक प्राइवेट में जाने की जरूरत नहीं, पानी हर घर में हर नल में आ रहा है, यमुना में आप डुबकी लगा सकते हो, किराएदारों को दुकानदारों को जो मैंने कर दिया वो कोई कर नहीं सकता। क्या लगता है आपको? ब्रह्मा जी में जाके पूछा रहे।